अब ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही खरीदारों के पास ऐसा टोकन होगा जिसका इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ऐसा सिस्टम शुरू करने जा रही है। ये टोकन बैंक की ओर से जारी किए जाएंगे जिन्हें कार्ड के असली नंबर की जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस टोकन व्यवस्था का मकसद पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाना है। कार्ड प्रोवाइडर कंपनियां इन सेवाओं के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर से टोकन सर्विस के लिए संपर्क कर सकेगी। हालांकि इस टोकन सिस्टम पेमेंट में भाग लेने वाली सभी कंपनियां रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। इसके लिए ग्राहकों को टोकन सुविधा मुहैया कराने वाले ऐप पर अपने कार्ड को रजिस्टर करना होगा। निर्देशों के तहत ये सुविधा पूरी तरह से फ्री होगी। टोकन से होने वाला ट्रांजेक्शन के मामले में भी पिन एंट्री जैसे RBI की सभी सुरक्षा निर्देश लागू होंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि टोकन कार्ड से ट्रांजेक्शन की सुविधा फिलहाल मोबाइल फोन और टैबलेट के जरिए मौजूद होगी। इससे मिले अनुभव के आधार पर बाद में इसका विस्तार दूसरे डिवाइसेज के लिए किया जाएगा। दरअसल टोकन सुविधा के तहत बैंक की ओर से जारी किए जाने वाला टोकन उपभोक्ता के कार्ड की संवेदनशील जानकारी को साझा नहीं होने देगा। उपभोक्ता को ट्रांजेक्शन में कार्ड की जगह पर सिर्फ टोकन का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे में टोकन का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल और QR कोड के लिए करना होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग या पिन चोरी कर बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की जाती है। ऐसे में टोकन की सुविधा के तहत ग्राहकों को भुगतान करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल ही करना होगा। ऐसे में क्लोनिंग की संभावना खत्म हो जाएगी। टोकन सुविधा के तहत ग्राहकों को किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वाइप करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में लेन देन के लिए कार्ड का नंबर इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए आपको दिया गया टोकन नंबर इस्तेमाल होगा। हर लेन देन के लिए नया टोकन नंबर इस्तेमाल होगा। टोकन नंबर कुल 16 अंक का होगा। सबसे ज्यादा फायदा ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान होगा। टोकन सिस्टम पर कार्ड रजिस्ट्रेशन के जरिए होने वाले लेन देन के लिए ग्राहक हर ट्रांजेक्शन की लिमिट के साथ साथ डेली ट्रांजेक्शन लिमिट भी तय कर सकते हैं। इसके बाद तय लिमिट से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा। कुल मिलाकर ये टोकन सिस्टम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाता है।